गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. डिग्री एट एनी एज इज ऑलवेज बेटर देन नो डिग्री. क्या हुआ था कि आज ऑफिस में फ़ोन आया ऑफिस नंबर पे, तो मेरे स्टाफ ने मेरे को ला के दिया कि सर ये स्टूडेंट है, बात करना चाहता है, पर ये एक्चुअली इनकी बहुत एज हो गई है तो ये कन्फ्यूज्ड हैं क्या करना है नहीं करना है, ये फाइनल की क्लासेस लेना चाहता है. तो मैं बोला ठीक है, होता है, कई जन होते हैं जो बहुत एज होने के बाद भी पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, तो दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. ठीक है, तो मैं बात किया, जब मैं फ़ोन पे बात किया स्टूडेंट से, मेरे को पता चला वो मात्र 27 इयर्स का है. मुझे इतना मतलब शौक लगा, 27 साल का एक लड़का अपने आप को बोल रहा है कि एज हो गया, मतलब हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग क्या पीछे आते जा रहे हैं, मतलब हम लोग सब मरने वाले हैं क्या 45-50 की उम्र में, क्या हो क्या रहा है. 27 साल का लड़का है और वो बोल रहा है इस तरह से कि उसकी एज हो गई है, पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ, डिग्री करूँ नहीं करूँ. मतलब मैंने बहुत समझाया बताया उसको. उसके दिमाग में एक्चुअली होता क्या है ना, दोस्त वगैरह सीनियर जो हैं गलत गलत एडवाइस दे देते हैं, डरा देते हैं, डराने वाले बहुत हैं, भरे पड़े हैं. ठीक है, उन्होंने उसको डरा दिया कि तुम तो अभी 27 की हो, तुम्हारा इंटर का खाली एक आर्टिकलशिप पूरी ख़त्म थी, उसकी पूरी आर्टिकलशिप ख़त्म थी, बिकॉज डायरेक्ट एंट्री स्कीम का था वो स्टूडेंट. ठीक है, एक ग्रुप भी क्लियर था, बस एक इंटर का एक ग्रुप पेंडिंग था जो वो दिसंबर में देने वाला है, और फाइनल उसका एक साल बाद ही वो देने के लिए एलिजिबल है. तो उसको बोल दिया कि नहीं नहीं, फाइनल पढ़ने में 3 साल लगता है, तुम तो अभी 27 के हो, 30 के हो जाओगे, तुमको फिर जॉब नहीं मिलेगा, कैंपस में नहीं बैठ पाओगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और जॉब मिलेगा भी तो 20-22 हज़ार का जॉब मिलेगा. इतना उसको डरा दिया था, बाप रे बाप. मुझे उसके साथ 10 मिनट बात करके उसको समझाना पड़ा कि सब एकदम गलत सुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. तुम 35 साल की उम्र में भी अगर तुमको डिग्री मिलती है ना, 35 में, ठीक है, आई एम 35 राइट नाउ, अभी सितंबर में हुआ था, तो 35 की उम्र में भी अगर डिग्री मिलती है, स्टिल इट इज़ ऑलवेज बेटर देन नो डिग्री. वो डिग्री ना आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, लाइफ लॉन्ग. और फाइनल की अगर किसी की आर्टिकलशिप कंप्लीट है, ठीक है, तो उसको फाइनल का तैयारी करने में 3 साल नहीं लगता सर, 1 साल लगता है. एक ट्यूशन उसको करने में 1 महीना लगता है, 8 महीने के अंदर 8ों सब्जेक्ट खत्म, 3 महीना रिविजन जोड़ लो, 11 महीना. ठीक है, उसका आर्टिकलशिप खत्म था, तो वो तो एग्जाम के बाद तुरंत फाइनल की तैयारी में जुट सकता है. उसीलिए उसका कॉल भी था कि वो फाइनल की क्लास लेना चाहता है. तब मैंने समझाया कि अभी नहीं, अभी पहले तुम इंटर पे फोकस करो, जो तुम्हारा सामने एग्जाम आ रहा है. डराने वाले इतने लोग हैं कि एकदम मतलब डर भर देते हैं मन में, और वो इंसान जो पढ़ाई कर रहा है, जो डिग्री हासिल करने जा रहा है, वो डिग्री छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको ये डर है कि जब तक वो CA बनेगा तब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी, 20-22 हज़ार मिलेगी. एक तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनका स्टार्टिंग जॉब आज के माहौल में भी बहुत ख़राब लगता है, 25-30 हज़ार रुपये का लगता है, होता है. मतलब CA फर्म में अगर जॉब करते हो तो सैलरी कम रहती है, और इधर उधर शुरू में मिलता नहीं, तो 25-30 हज़ार रुपये लगता है. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो मतलब कई अटेम्प्ट्स में क्लियर होते हैं, पर सर वो आपका बेंचमार्क नहीं है फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उनका स्टार्टिंग रहता है वो विद इन 6 महीना उनका जंप हो जाता है. ठीक है, साल भर के अंदर दे आर बैक टू 50,000 वाला फिगर. ओके, जॉब आप अपने पहले जॉब को कभी भी मत काउंट करो. पहला जॉब हमेशा खराब होता है, हमेशा डिस्काउंटेड होता है, हमेशा वो नीचे वैल्यू पे रहता है. लाइफ में जब अपने जॉब में जाते हैं ना, तो पहला जॉब कभी बेंचमार्क नहीं. साल 2 साल तक एकदम जोर का जॉब टर्निंग्स होता रहता है, एंड अल्टीमेटली यू लैंड अप इन अ वेरी गुड जॉब. तो ये जो झूठ का एक माहौल है, डर है, इसको हटाओ. डर वर कुछ नहीं, डिग्री जब मिले तब अच्छा है. वो डिग्री एक बार मिल गई ना, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे मरते दम तक चलेगा. ठीक है, लड़कों की जो एवरेज एज होती है आज के टाइम पे वो 75-80 ईयर्स होती है, लड़कियों की ज़्यादा एज होती है, 85-90 ईयर्स तक जाती है. ये हार्मोनल चीज़ें होती हैं, इस वजह से क्या मतलब क्या होता है, जनरली फीमेल लाइफ इज लॉन्गर देन द मेल लाइफ. बट आजकल मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर लिया है कि लोगों की लाइफ टन जाती है. पहले की जो हम लोग तारीफ करते थे, पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा लंबा जीते थे, ऐसा कुछ नहीं. पुराने ज़माने में किसी को भी एक बीमारी हो जाती थी ना, तो वो सीधा मरता था. मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी 32 ईयर्स की एज में, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में बोलते हैं हैजा, जो कि कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, जैसे टट्टी उल्टी ये सब होता है ना, मतलब नॉर्मल जो डायरिया वगैरह होता है वैसा टाइप का था. आज के ज़माने में तो मेडिसिन देख के क्योर हो जाता है, उस ज़माने में उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 32, जस्ट थिंक. तो आज साइंस बहुत तरक्की कर ली है, उम्र बहुत लंबी है. आपको जब डिग्री मिले तब वो अच्छा है. डिग्री इज ऑलवेज बेटर, आई एम टेलिंग यू, ऑलवेज बेटर. यू आर अ डिग्री होल्डर वंस एंड फॉर ऑल इन योर लाइफ. ठीक है, तो ये तो पहला मकसद था. दूसरा, आज मैंने अपना टारगेट सेट किया था फेमा करने का, पर वो नहीं हो पाया. ठीक है, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों पे दिमाग मेरा लग गया और मैंने वो चीज़ें कर डाली. बट ऐसा नहीं कि इट वॉज़ टोटली अनप्रोडक्टिव. एक 3 चीज़ें आज हुई मेरे साथ, ठीक है, विच वॉज़ आई थिंक वेरी गुड, वेरी प्रोडक्टिव. फेमा नहीं हुआ, पर उसके बदले वो हो गया. फर्स्ट तो क्या है कि मेरे को एक बहुत डिसीजन था जो काफ़ी समय से मेरे को परेशान कर रहा था. इट वॉज़ अ वेरी टफ एंड अ हार्ड डिसीजन.
मैं उसी के ऊपर सोचे जा रहा था फाइनली आई केम टू अ कॉन्क्लूजन कि ओके इसमें एकदम हार्ड वाला रास्ता ही चुनेंगे। एक ईजी रास्ता है जिसमें शॉर्ट टर्म में मेरे को बहुत फ़ायदा होगा मॉनिटरी, पर लॉन्ग टर्म में नहीं। और दूसरा रास्ता हार्ड है जहाँ लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा होगा पर शॉर्ट टर्म में मॉनिटरी लॉस होगा। सो आई वेंट विद द लॉन्ग टर्म डिसीजन कि नहीं मेरे को लॉन्ग टर्म में जाना है, ये मनी वगैरह वाला ऐसा कोई मतलब इसको मैं उतना बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा, लॉन्ग टर्म में ही अप्रोच करूंगा। तो एक बहुत हार्ड डिसीजन था मेरी लाइफ का, वो मैंने भी लिया। इनफैक्ट उस पर कई महीनों से मेरे दिमाग में चर्चा चली रही थी कि क्या डिसीजन करें, कैसे करें, नहीं करें। मैं सबसे डिस्कस भी कर रहा था अपने फैमिली में, अपने स्टाफ से सबसे। एंड में आई केम टू अ कॉन्क्लूजन टुडे कि क्या करना है। सेकेंड अच्छी चीज़ क्या हो गई, 3-4 दिन से पूरा एक्सरसाइज मेरा बंद हो रखा था, ये मेरे को कंपनी लॉ की धनाधन क्लासेस लेनी थी इसलिए। तो अब टुडे आई डिड दैट एक्सरसाइज ऑल्सो। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बॉडी को मजबूत बनाता है, ठीक है। और जितना मजबूत बॉडी रहता है उतना क्या है कि माइंड बहुत मेरा तेज़ चलता है। और मेरे को पढ़ाते वक्त मेरा मतलब क्या होता है, आई कैन स्पीक ब्रेथलेस, एकदम सांस रोक के धनाधन धनाधन मैं बोल सकता हूँ। तीसरा अच्छा डिसीजन ये हुआ कि मैंने एक छोटा सा डिसीजन है पर मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो लोग भी मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, जो लोग भी तुम लोग मुझसे काफ़ी जानो, जो 3 साल पहले 4 साल पहले फेस टू फेस बैठे पढ़े हो, तुम लोग पता होगा मैं कोल्ड ड्रिंक भयंकर पीता था, ठीक है, कि मतलब भयंकर ज़्यादा। तो आज भी ऐसा ही कुछ है कि मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं कोल्ड ड्रिंक छोड़ दूँ, अच्छी चीज़ तो है नहीं, हम सब जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट गुड एट ऑल, मतलब है हर मायने में नुकसानदायक। तो मैं गया था शॉपिंग पे मतलब विकास भैया के साथ ही, तो मैंने ऑलरेडी कैन का पूरा एक कनस्तर खरीद लिया था, ठीक है। मतलब कैन होता ना कोकोला कैन, तो उसका पूरा वो बॉक्स था, मैंने परचेज कर दिया, नहीं यार ले लेते हैं, ठीक है। पर फिर पता नहीं एंड मोमेंट में क्या हुआ कि मेरे को याद आ गया कि मैं सबको तो ज्ञान देता रहता हूँ बैठ के यूट्यूब पर और खुद ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैंने वो हटा दिया, निकाल दिया कि नहीं मेरे को नहीं लेना है। तो ये 3 चीज़ें आज हुई मेरे साथ, ठीक है। फेमा तो नहीं कर पाए बट अदरवाइज़ ये सब प्रोडक्टिव चीज़ भी हो गया, तो कोई बात नहीं है, फेमा कल करूँगा, कल अच्छे से और एफर्ट डालूंगा। अभी भी रात खत्म नहीं हुई, अभी 6 ही बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी कम से कम भी 2-3 घंटे तो मैं और काम कर ही लूँगा, तो उसमें कुछ ना कुछ मैं अच्छा प्रोडक्टिव पढ़ लूँगा एंड देन आई सेट अ टारगेट, ठीक है, कि क्या करना है नहीं करना है। ओके, सो दैट वॉज माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।